Hello everyone, my name is Ria and in today's video I am sharing you that 5 mistakes that people do in their drawings and their sketches. So let's get started. So let's begin to our number 1 mistake that beginners do. वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग cartoons बनाते हैं. So cartoon से क्या होता है, उनकी एक particular shape होती है. Like आप लोगों ने बनाया शिनचैन, डोरेमोन या फिर आप कुछ भी बनाओ तो उनकी पर्टिकुलर शेप होती है, इजी शेप होती है. जैसे डोरेमोन की सर्कुलर शेप, शिनचैन की कुछ ऐसे होती है, उनकी शार्प होती है या फिर बिल्कुल एकदम प्लेन होती है. तो इन सब से क्या होता है, आप सीख नहीं पाते हो. आप सीखते किससे हो, जब आप कुछ पर्सन बनाते हो, पर्सन और डॉल्स, और यू कैन मेक एनिमल्स. सो ऐसी चीज़ों से आप सीखते भी हो, क्योंकि एनिमल्स की अलग अलग शेप्स होते हैं, टाइगर की अलग, और उनके ऊपर जो हेयर्स होते हैं वो थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं. उनको आपको सीखना है, देन आप सीखोगे. और डिफ़िकल्ट स्केचेस एंड ड्राइंग्स बनाने से आप सीखते हो. कार्टून्स बनाने से कुछ नहीं होगा, आप कुछ नहीं सीखोगे, क्योंकि उनकी एक पर्टिकुलर शेप रहती है. जिस टाइगर की हम अलग अलग पोजेस क्लिक करते हैं तो उनके अलग अलग हम स्केचेस बनाएंगे. बट कार्टून की अलग अलग एंगल तो होती हैं, बट उनके सिर्फ फेस ही मूव करते हैं. सो आपको कार्टून नहीं चूज़ करने हैं, यू हैव टू चूज़ पर्सन, डॉल्स या फिर एनिमल्स. ये कुछ नहीं आपका कर पाएंगे कार्टून्स, अगर आपको अच्छी स्केचेस और ड्राइंग सीखनी है. कार्टून्स को अवॉइड कीजिए, जाना है आपको इन चीज़ों पर. सो लेट्स गो टू आर नंबर 2 मिस्टेक. सो सेकंड मिस्टेक इज दैट स्केचेस बनाते हैं. तो मैंने बहुत अभी स्केचेस इस चैनल पे नहीं डाले हैं अभी तक, आने वाली वीडियोस में स्केचेस आएंगे. अभी मैंने सिर्फ आई की स्केच डाला था, बट कुछ टाइम बाद मैं और भी स्केचेस डालूँगी. सो यस, एंड अभी हम नंबर 2 की बात कर रहे हैं. तो जब हम स्केचेस बनाते हैं उसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमने शेडिंग की स्केच में, तो हम ऐसे शेडिंग करते हैं और उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं, हम इनको ब्लेंड नहीं करते. तो ये जो वर्ड ब्लेंड है, ये करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है आपके स्केचेस में. तो ब्लेंडिंग जो इम्पॉर्टेंट होती है स्केचेस में, बिकॉज जब भी आप कुछ चीज़ बनाते हो स्केच में, तो आपको ब्लेंडिंग की ज़रूरत होती है उस मॉडल को 3D बनाने के लिए. तो ये जो वर्ड 3D है, इससे आपकी जो ड्राइंग होती है, स्केच होता है, वो 3D लगता है, मतलब कि रियलिस्टिक. तो इसका मतलब है रियलिस्टिक. तो ये रियलिस्टिक कैसे बनेगा, जब हम अपने जो हमने शेडिंग की है ये ब्लेंड होगी. ब्लेंड आप फिंगर से कर सकते हो, या फिर उसके कुछ टूल्स आते हैं, अगर आपके पास वो नहीं है आप ईयरबड से कर सकते हो, या फिर आप इरेजर को हल्के हाथ से ब्लेंड कर सकते हो. तो ये था हमारा नंबर 2 पॉइंट. सो चलिए नंबर 3 मिस्टेक की ओर बढ़ते हैं. सो लेट्स गो. सो आर नंबर 3 मिस्टेक इज़ कि जब भी हम कुछ स्केच बनाते हैं, तो हमारे स्केचेस में हम एक ही पेंसिल का यूज़ करते हैं, एक ही शेड का. मतलब अगर इस वाले पेंसिल का कलर इतना है, तो हम पूरी अपने स्केच में यही कलर यूज़ करेंगे. बट इस पेंसिल से काम नहीं चलेगा, आपके पास अलग अलग शेड की पेंसिल्स होनी चाहिए. एक थोड़ा लाइट शेड की, मैं आपको लिख के बता देती हूँ, लाइट, देन उससे थोड़ा सा डार्क, देन ऐसे करते करते आप अपने थोड़ा डार्क में चले जाइएगा. अगर आपके पास पेंसिल्स नहीं हैं
बाई चांस आप नहीं ख़रीदना चाहते, वो महंगी आती हैं, तो आप क्या करना, जो लोकल पेंसिल्स होती हैं उनको ले लेना, जो लोकल पेंसिल्स होती हैं जो कि ईजीली बहुत सस्ती मिल जाती हैं, वो लाइट भी चलती हैं, तो उन लाइट पेंसिल्स का यूज़ करना। फिर आप बढ़ते हुए, आपको अगर बहुत ज़्यादा डार्क लेना है तो आप पेंसिल कलर ले सकते हो। पेंसिल कलर में आप ब्लैक से डार्क सबसे ले सकते हो। पेंसिल कलर्स जो होते हैं उसमें आप ब्लैक ले सकते हो, जो ब्लैक पेंसिल कलर होता है आप वो ले सकते हो, उसका सबसे डार्क में आप यूज़ कर सकते हो। बट जो भी हमारे स्केचेस बनते हैं वो आपके 3D अगर नहीं लगते हैं तो उनकी वजह सिर्फ ये है, क्योंकि आप अगर एक ही पेंसिल से करते रहोगे तो ऐसा लगेगा कि आपने अगर यहाँ सर्कल बनाया है उसके अंदर आपने कलर किया है, और उसके बाहर सर्कल बनाया है उसके अंदर भी यही कलर किया है, तो ऐसे कुछ सेंस ही नहीं हुई, तो ऐसा लग रहा है एक सर्कल के अंदर हमने कलर कर दिया। बट अगर हम अंदर वाले सर्कल में डार्क करते और बाहर अलग करते, फिर इनको हम ब्लेंड करते, तो क्या होता, एक मॉडल तैयार होता। अब आप इनमें फ़र्क लगा सकते हो, ये चाहिए आपको ये वाला चाहिए या फिर आपको ये चाहिए, सबको ये चाहिए, क्योंकि ये इसमें तो समझ ही नहीं आएगा किसी को क्या बनाया है, बट डार्क टू लाइट ये सब पसंद करेंगे। तो ये थी आप लोगों की 3rd मिस्टेक। चलिए नंबर 4 मिस्टेक की ओर बढ़ते हैं, सो लेट्स गो। सो आर नंबर 4 मिस्टेक इज़ कि जब भी हम कुछ स्केच बनाते हैं तो स्केचेस या फिर हम ड्राइंग्स बनाते हैं, जो हम मिस्टेक इनमें करते हैं कि हम एक पर्टिकुलर जो हमें करना होता है हम वो नहीं करते। लाइक फॉर एग्जांपल, हम क्या करते हैं, अगर हमें शेप बनानी है, आप कोई भी शेप ले लो, फेस का शेप ले लो या फिर आप कहीं का भी शेप ले लो, मैं आपको फेस का दिखा देती हूँ। पहले फेस बना रहे हो तो इसमें आप क्या करोगे, यहाँ एक आँख बना दी, गलती से थोड़ी ऊपर नीचे हो गई, देन नोज़ बनाई इधर, मैं आपको एग्जांपल में बता रही हूँ, और यहाँ पर हमने बना दिए लिप्स, थोड़े टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं तो सब बिगड़ जाते हैं। हेयर्स को हमें ऐसे बनाना था, यहाँ पर हमने यहाँ से बना दिए, हेयर इधर निकल गया, रब होने के बाद फिर बेकार हो गया। हमें यहाँ पर पोनी बनानी थी, हमने यहाँ पर बना दी। तो ये क्या होता है कि आप एक सही से नहीं चलते। अगर हम इसको ही सही से करते तो देखो, हमें क्या करना होता है, हम एक स्केल लेते हैं, ज़रूरी होता है लेना। तो स्केल लेने से क्या, आप अगर बिगिनर हैं तो स्केल ज़रूर लीजिएगा, प्लास्टिक का ले लो, स्टील का ले लो, मार्केट में बहुत सारे टाइप के अवेलेबल होते हैं, आप कोई भी स्केल ले लो। बिगिनर्स यही करते हैं कि वो प्रोफेशनल की तरह करते हैं बिना कहीं स्केल यूज़ किए। स्केल से हम एक रफ लाइन ड्रॉ करेंगे, अब हम यहाँ पर अपनी आइज़ बना देंगे, बहुत लाइट लाइन बनाना, मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए डार्क बनाई है। फिर आप एक नोज़ की लाइन बनाना, फिर इसमें आप नोज़ बनाना, इसके ऊपर ऊपर ही, देन हम यहाँ पर क्या करेंगे, मिडल में एक लाइन बना लेंगे। अभी मेरा ये सर्कल टेढ़ा है, दैट्स वाई थोड़ा गड़बड़ आपको लग रही होगी, बट जो मेरा बीच का फेस है वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पर एक सर्कल ये रहा, अब क्या करना है, हमें यहाँ पर बीच में लाइन बना लेनी है, ठीक है। अब बीच में लाइन बनाने से क्या होगा, अगर आपकी आईज इधर है तो आप हल्के हाथ से बनाकर उसे रब कर थोड़ा साइड में कर लो। और अब हम लिप्स बनाएंगे, तो लिप्स ये नोज़ के बीच में आएगा, यहाँ पर आईज के बीच मिडल से ख़त्म हो जाएगा,
अब देख लो कौन सा सही है। पोनी बनानी है तो पोनी को हमें दोनों आँखों के मिडिल में बनाना है। देखो आई से हम इसकी लेंथ नाप लेंगे, मिडिल आईज दोनों की मिडिल है तो दोनों की बराबर पोनीज बनेंगी एंड सही स्ट्रक्चर के साथ। तो देख लो अब इन दोनों में कौन सा अच्छा है। ये एकदम परफेक्ट बनेगा आपका, एकदम ख़राब बनेगा। ये मैंने एग्जांपल की एक तौर पर बताया है, आप इसको रियलिटी में करना, अच्छे से बनाना। मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया है। तो ये होती है आप लोगों की फोर्थ मिस्टेक, नंबर फाइव मिस्टेक की ओर बढ़ते। सो नंबर फाइव मिस्टेक डैट पीपल डू इन देयर स्केचेस एंड देयर ड्राइंग्स इज दैट, इसमें आप लोग क्या करते हो, अगर वो कोई कपड़ा है, ठीक है, आपके स्केच में है कोई भी ले लो कपड़ा, उसमें अगर वो स्क्रम्बलिंग है, जो स्केचेस करते होंगे उनको पता होगा व्हाट इज स्क्रम्बलिंग, बट मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगी स्क्रम्बलिंग, मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारे तरीके बताऊंगी स्केच के जो स्केचेस में यूज़ होते हैं शेप्स। तो स्क्रम्बलिंग होगा, वो क्या कर देंगे, ऐसे गोले 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 बना देंगे, उन्हें पता तो है नहीं कि कैसे करना है, और फिर ये डिज़ाइन होगा कुछ ऐसा, और वो बना देंगे इसे कुछ ऐसा। देख लो कितना डिफरेंस है, वो करेंगे सर्किल पे सर्किल, इतनी मेहनत करेंगे, होगा इतना इजी सा ये रिजल्ट मिलेगा लास्ट का। ये देखो ये ऐसा होना था, हो गया कुछ ऐसा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी, तो उसमें मैं बताऊंगी आप लोगों को फोर शेप्स डैट वी यूज इन आर स्केचेस। तो फोर में आप लोगों को शेप्स बताऊंगी, उससे आपको क्या होगा कि पता चल जाएगा कि कौन कौन सी शेप्स होती हैं। जैसे आप लोगों की भी अगर कोई कोई हो जिसको नहीं पता, तो वो भी ऐसे ही बनाते, बट एक ये शेप थी। तो ऐसे ही मैं आगे वाली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी फोर शेप्स। और भी बहुत होती हैं, बट जो मेन मेन फोर होती हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो ये था नंबर फाइव पॉइंट, एंड अगर आप ऐसे बना देते तो ऐसा बना। और नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखना फोर शेप्स डेट वी यूज इन आर स्केचेस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय गाइज, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय गाइज।